स्वागत है आपका सेफ न्यूज लाइव में। दोस्तों आज एक अहम विषय पर मैं बात करने आया हूँ। दरअसल वसई मीरा महिंदर वसई विरार आयुक्तालय से कल 23/2 को 3 ऑर्डर निकले हैं, वो काफी अहम है। उन ऑर्डर के ऊपर हर एक का ध्यान होना चाहिए और उन ऑर्डर को लेकर हर एक को सतर्क रहना चाहिए। ये 3 ऑर्डर की कॉपी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें एक ऑर्डर है 10वीं से 12वीं की परीक्षा आने वाले महीने में, अगले महीने में मार्च में शुरू होने वाली है, उसको लेकर शेष का है, यानी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं है उसको लेकर कुछ परीक्षा में नकल होने के जो पहले प्रमाण मिले ऐसा इसमें लिखा गया मराठी में, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कुछ बंधन किया हुआ है, उस बंधन को लेकर बताया गया है कि परीक्षा काल में मार्च की 4 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक एक महीने तक परीक्षा स्थल जो है, जो सेंटर है, उनके 100 मीटर की परिधि में मनाए आदेश लागू रहेगा। और उस मनाए आदेश में यहाँ तक कि मोबाइल फोन की ले जाने की परमिशन नहीं होगी, वहाँ के आसपास के जेरोक्स की दुकानें भी परीक्षा के समय में बंद रहेगी, ऐसा कुछ उसमें आदेश में है। तो इस आदेश को जरूर आप पढ़िए। उसके बाद में दूसरे आदेश की हम बात करते हैं, तो दूसरा आदेश है वसई मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की हद में पर प्रांतीय काफी लोग हैं, और पर प्रांतीय काफी लोग होने के बाद में यहाँ पर भाड़े पर मकान लोग देते हैं, लेकिन उन भाड़े पर मकान देने वाले के भाड़े कर की जानकारी लोग अक्सर पुलिस के साथ साझा नहीं करते हैं। तो पुलिस का सीधे सीधे उसमें ये आदेश है कि आप अगर अपने घर में भाड़े भाड़ोत्री रखते हो तो उसकी जानकारी है वो पुलिस, उसके जो भी डॉक्यूमेंट है वो पुलिस में सबमिट कीजिए, नहीं तो अगर कल उठकर उस भाड़ोत्री ने कुछ अपराध किया तो उसमें आप भी अपराधी माने जाएंगे, और आपने अगर उसका डिटेल नहीं दिया तो आपको गुनहगार ठहराया जा सकता है। तो ये आदेश भी काफी अहम है। उसके बाद में एक तीसरा और उस दोनों आदेश से भी काफी अहम आदेश, दरअसल ये आदेश ऐसा है कि आज के समय में डिजिटल जमाना है, डिजिटल समय है, तब डिजिटल तरीके से फ्रॉड बहुत बढ़ने लगे हैं। तो इसमें ये लिखा गया है टाइम ऑनलाइन लोन गेना पासून सावधान, साइबर गुनाह शाखा ये लोगों में एक अवेयरनेस करना चाहती है, लोगों को एक जागरूक करना चाह रही है कि आप इस तरह से शॉर्ट टर्म लोन के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि बहुत सी फर्जी वेबसाइट फर्जी ऐप है वो शॉर्ट टर्म लोन देने के नाम पर आपका डेटा चुरा लेती है और बाद में आपको अलग अलग तरह से हैरेसमेंट करती है। इस चीज का कई लोगों ने खुद अपने ऊपर अनुभव भी किया होगा, और नहीं तो आने वाले समय में अगर ऐसा होता है शॉर्ट टर्म लोन की लालच में आकर अगर आप इस तरह से किसी ऐसी वेबसाइट या ऐसी ऐप जो कि असुरक्षित है उसके चक्कर में पड़ते हैं तो शायद इन तरह की परेशानियां आपको भी झेलनी नहीं पड़ सकती है। ये आदेश निकाले गए और जागरूक किया जा रहा है। तो ये 3 अहम आदेश है, इनके बारे में मैंने बताया आपको। इन 3 आदेशों के बारे में आप जरूर जानकारी ले पूर्ण तरह से और सावधान रहे। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं